ये बोलने भी वाला था सर, रिकॉर्डिंग डलेगी नहीं, ये डलना चाहिए, ये मेरे ब्लॉग में डल गया, तू सब रिकॉर्ड कर ले, छोड़ना मत कुछ। चेक चेक S1000RR विद बैफल सिर्फ चीक 126 126 सुनो सुनो सुन भाई बात, पता क्या किया आगे से ऐसा ना बोलो जो बोल बोल के थक गया मान ही रहा चला गया अपन पकड़ो उसे अभी भी तो क्या आज भाई मैं कहा जी क्या हुआ यही अब तो सेक्सी हर जगह सेक्सी लगोगी पहले इस पे कोई दे रही हूं मैं रुक जा फिर रुक फिर से आ जा ये मैं कैप्चर कर लूंगा यार रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा यार चुप अब हां ये आप इधर आओ मेरा लेफ्ट अच्छा आता है ये तो सेक्सी बॉय है हर जगह से अच्छे लगते हैं मेरी लेफ्ट प्रोफाइल अच्छी आती है राइट थोड़ी अच्छी नहीं आती मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि पेट तो ऐसा ही है चाहे राइट खड़ा हो तो मुझे लेफ्ट पेट उतना ही दिखता है यस कि मतलब अब सब कुछ टेस्ट करते हैं हम ठीक है एक होता है हमने एक होता है हमने कैजुअल चलाई है मेरे तो मार पड़ जाएगी ऐसी बात चलो गए 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 चले गए बच गए बच गए बच गए बच गए बल्कि आंटी के तरीके आ गया पड़ा चुप यस तो फिर किस पे पहले बताओ इसमें क्या बोलेंगे कवर अच्छा लगता है बोलने में तरपाल कवर तरपाल तरपाल ज्यादा फनी है यार यही तो है ये यार मैंने जो छोटी अरे ये यार मैंने यार मैंने बता दिया हेलो जो छोटी लग रही है वही यार मैंने दोनों को नाप लो इसमें डायलॉग है लड़की और भाई के पिछवाड़ा देख के बता देते हैं इतनी नॉलेज है मैं इंटेलिजेंट बंदा हूँ तू सब रिकॉर्ड कर ले छोड़ना मत कुछ तो भाई ने उड़ा दी स्कूटी वो भी एक लड़की की तो एनीवेज आज यहाँ पे दो चाबियाँ एक यहाँ पे R1 की और एक S1000RR की R1 में लगा हुआ है फुल सिस्टम एग्जॉस्ट बट जो पीछे का स्लिप ऑन है वो लगा हुआ है पूरा जैसे कहते हैं कि मतलब स्टॉक ठीक है तो इसमें एक तरह से हाफ सिस्टम लगा हुआ है ठीक है एंड यहाँ पे खड़ी है अपनी ब्लैक माफिया में फुल सिस्टम लगा हुआ है बट बैफल साथ में लगा हुआ है तो आवाज इसके अंदर आधी आने वाली है और जैसे वाली आवाज की मापा ने कर दी है हाँ कह सकते हैं काम करते हैं दोनों को लेके चलते हैं एंड डीवी टेस्ट कर लेते हैं दोनों हाफ हाफ सिस्टम में टेक्निकली किसकी साउंड ज़्यादा आने वाली है बट मेरे को यहाँ तक आइडिया है कि R1 के जो बैकफायर्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं बट S1000RR मतलब CM तो S1000 नहीं CM1000RR का भी इनका भी डीवी टेस्ट कर लेते हैं आर से तो हार ही जाओगे भाभी से तो मैं हार हूँ यार यस तो दोनों को लेके चलते हैं काम करते हैं चेक करते हैं कि साउंड किसका ज़्यादा आने वाला है मतलब इसका ज़्यादा आवाज़ आने वाली है मेरी ज़्यादा आवाज़ आने वाली है इसकी या फिर पीछे स्पेशल गेस्ट खड़े हैं हमारे इनकी इनका तो 20-30 आएगा ये सुरीली कोयल जो है आप कहते तो आप इंडियन यार आपने कहा नहीं था आप इंडियन आइडल में गए थे झूठ बोल रहे हो पब्लिक के सामने शर्मा जाते हो चेहरा तो देखा लग रहा है यार जो थोड़ी देर पहले इंडियन आइडल में नहीं जो एक लड़की गई थी उसने गाना गाया था और अनु मलिक को बस पसंद आया था बाकियों के अनु मलिक कहता अनु मलिक कहता बिल्कुल मेरे जैसा गाती हो मुझे है बोलने लिव मरी बॉन देयर चलो 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 अच्छा
गया कितनी तेज लेके आया। गाइस सबसे पहले अपन चेक करेंगे इसका डीबी टेस्ट। पहले डीबी टेस्ट कर लें या पहले बैकफायर चेक करने? पहले बैकफायर कर लेते हैं। बैकफायर हल्के आरपीएम पे बैकफायर कर लो। हां है ना, तो पहले बैकफायर चेक करते हैं। धक्के भी लगा धक्के भी लगवा लिए कि वहां से स्टार्ट करके लाते हैं बैकफायर भी आएगा। अब कह रहे पहले डीबी टेस्ट करें बैकफायर। पहले बैकफायर करो। पहले बैकफायर, तो पहले बैकफायर चेक करेंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं, किसका चेक करें? उसका, इसका। पहले जिस पे चमगादड़ बने। पहले जिस पे चमगादड़ बने। चलो जी, तो चमगादड़ वाली बाइक स्टार्ट करते हैं। जिस पे चमगादड़ चिपके और जिस पे मैं भी चमगादड़ बना था। चलो भाई स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। ट्राई कर लेते हैं। मुझे ऐसे फील, अरे भाई ब्रो मैन। क्या बोला इसने? व्हाट मैन? क्या बोला? भाई ब्रो मैन। भाई ब्रो मैन। हाय ब्रो मैन। हाय ब्रो मैन। हाय ब्रो मैन। सर कुछ आज तो मुझे साउंड इसकी तेज लग रही है। इसका मैक्सिमम कितना होता है? 130। तो 130 तो ये जाती है। अगर वो ज्यादा की तो पता कैसे लगा? नहीं नहीं, 130 जाती थी जब SC प्रोजेक्ट छोटा वाला लगा हुआ था। ओके ओके। अभी इसमें लगा हुआ है एरो विद मफलर। अभी उसकी बात है। अभी हां हां, इसके पास ज्यादा है। अभी उसमें लगा हुआ है एरो विद मैं वो सुनने पे नहीं, मैं पुरानी प्रोसेस नहीं कर पाया। जब इसका वो कुछ अंदर का पार्ट निकल जाएगा फिर ये लाउड होगी या नहीं होगी? वेफल खाने वाला। मैं भी बोलूं वेफल। वो वेफल। तो भाई ये रहा हमारा डीबी मीटर जो आज चॉपसी फुद्दू लगा फुद्दू। तो सही कह रहा हूँ। नहीं मतलब पंजाबी की बैटरी हमेशा चार्ज रहती है, डीबी मीटर की थोड़ी ना रहेगी। तो ये पंजाबी थोड़ी ना है। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो ये डीबी मीटर नहीं चल रहा। अब एक काम करते हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं डीबी मीटर वाला और उस पर टेस्ट कर लेते हैं। इसको कहते हैं पैसे देके फुद्दू बटन। मैंने कहा था मैंने नॉर्मल सेल वाला ले लो। तो फाइनली हमने ये डीबी मीटर ऑन कर लिया है। थैंक्स टू मी आईफोन। इफ यू डोंट हैव एन आईफोन यू डोंट हैव एन आईफोन। ठीक है, तो ये आ गया एवरेज, ये आ गया मैक्स, ये क्या बात है? वो हमारी बातों से पकड़ रहे हैं ना। 87। ठीक है, तो 87 डीबी यहाँ पे आ गए, मतलब हमारे फटे हुए संगे 87 तक जा रहे हैं। हाँ जी। तो इसको अब टेस्ट कर लेते हैं। एंड सबसे पहले टेस्ट करेंगे ताकि आप लोग ये ना कहो कि पास रखा था दूर रखा था, और थोड़ा सा इधर आ जाओ ताकि हवा ना आए इसकी। तो ये दो हाथों जितना दूर एंड स्टार्ट। लॉन्गर कैन ऑफ एग्जॉस्ट जो एरो का नया आया है पिस्ता जीपी।
अब ट्राई करते हैं इसका। वैसे 121 आया, इसका मतलब काम ठीक कर रहा है। हाँ ये काम ठीक कर रहा है, काम ठीक, मोबाइल ठीक काम कर रहा है। चलो दो हाथ पार्ट, डिस्टेंस दो हाथ, तो अब चीटिंग नहीं करेंगे। 121 बट इसको दोबारा हम रीसेट करेंगे ताकि नॉर्मल कोल्ड स्टार्ट में भी दिखा दे कि कितना आ रहा है। चलो हो गया, चलो बॉल बहुत गंदी वाली है। हां भाई मैंने चलो ठीक है जी, ये आ गया तो एग्जैक्टली सेम इतना दूर दोबारा एंड 85 डिग्री अभी आ रहा है। स्टार्ट कर लेते हैं एक बार और। भाई दूर रह लो, पहले से ये ऑन होती है तो आज ही स्टार्ट हो गई। तो ये वाली बाइक अभी जीत चुकी है हमारे आधे आधे ये भी आ गई है। बट हाँ ठीक है, मजा आया। बट ज्यादा फर्क नहीं है, लाइक 2 dB का फर्क है। बट एक्चुअल में 2 dB रियल लाइफ में बहुत ज्यादा हो जाता है एंड काफी डिफरेंस हो जाता है 2 dB का। सो दिस वाज अमेजिंग टेस्ट। एक बार चीख के देखें डीबी मीटर में। बनता तो है चीख रहा है, चीख ना बहुत गंदा चीख। पहले वो करके हम पहले रीसेट करेंगे इसे। रीसेट कर दिया, पहले अरनी पे चीखेंगे। पहले मैं चीखूंगा क्यों? पहले मैं क्यों चीखूंगा, ये क्या बात हुई? क्योंकि बाद में मैं चीखेंगे, बाद में चीखेंगे नहीं चीखो। अभी रुको रुको, लोगों के सामने पागल नहीं होना हमें। लोगों के सामने पागल नहीं होना, 91 डीबी तो वैसे ही आ चुका है, इतनी दूर रखना है ना। वैसे दूर से अच्छा परफॉर्म करता है। देखो 97 तो अभी आ गया। चेक 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 110 काफी तेज चला। ओह माय गॉड, नॉट बैड नॉट बैड। नाउ यू दो उंगली करो। बीन बजा रहे बीन। हीरो बनती का हीरो तो मैं ही था। चलो चेक चेक चेक। ओह माय गॉड, कुछ भी नहीं है, एक पॉइंट से जीता है भाई। अभी इन्होंने बोला था ना, 2 पॉइंट का बड़ा महत्व होता है। अभी बोला इन्होंने 2 पॉइंट बहुत होते हैं। बोलो ऊपर यार, सिर्फ 1 पॉइंट का फर्क है, 1.5 पॉइंट है आपके। 110 था मेरे, 111.5 है। चीख मारो सिर्फ चीख। 126 अगली बार से मैं क्या करूंगा, बाइक बंद करके धक्का मरवा के इसको पीछे बिठा दूंगा, चिल्ला रहूंगा। फाइनली ये था डीबी टेस्ट एंड कौन सी अच्छी लगी बाइक। वैसे आपको पर्सनली कौन सी अच्छी लग रही है मुझे जरूर बताना। तो यहाँ पे है ये R1 जो देख लो कैसी लग रही है, एंड यहाँ पे है अपनी कार्बन माफिया जो काफी इस टाइम चमक रही है, और मुझे दूर से भी अगर मैं देख रहा हूँ तो बड़ी अच्छी सी लग रही है। अच्छा पर्सनल चॉइस, दोनों में से कौन सी लेगी? पर्सनल चॉइस क्विक क्विक में S1000 हो गया, सौदा हो गया। चलो चलो हाँ, तो भाई इसकी चॉइस है ये वाली, मतलब R1 आपको वो S1000 ये वाली। चलो बैटमैन आपको वो वाली, वही है। तो 50-50 हो गया, मतलब अलग सा ही टेस्ट हो गया। ये लो भाई। हाँ जी कौन सी? जीत गए। चलो सबकी अपनी अपनी चॉइस। सच बताऊं तो मुझे सारी पसंद है, अपन सब में खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। सारा कलेक्शन अपने पास ही रहने वाला है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई भी बाइक नहीं जाने वाली, सब यहीं पर रहने वाली है। तो अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक चैनल